रूसी सेना ने देर रात उग्लेडर शहर पर किया अटैक। हमले में पूरा इलाका बारूदी धमाके की आवाज से गूंज उठा। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर तागी 55 क्रूज मिसाइलें। कीव, नेप्रो, ओडेशा, खेरसोन में रूस का मिसाइल अटैक। रूस ने यूक्रेन के 11 शहरों को किया टारगेट। हमले में 35 से ज्यादा इमारतों को पहुंचा नुकसान। रूसी मिसाइल अटैक में 11 की मौत, 11 जख्मी। मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन ने किया दावा। कीव के आसमान में दिखाई दी रूसी क्रूज मिसाइलें। कीव के कई इलाकों से धमाके की आवाज सुनाई दी। कीव में रूस के धमाकों के बाद जबरदस्त दहशत। कीव के अंदर अभी भी बज रहे एयर रेड सायरन। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने लोगों से अपील की शेल्टर से बाहर न निकले कीव के लोग। ओडिशा में भी रूस ने किया मिसाइल अटैक और रूस में ओडिशा के ऊर्जा संयंत्रों को बनाया निशान। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओडिशा के ऊर्जा संयंत्रों का रूस का हमला। ओडिशा के कई इलाकों में हुआ ब्लैकआउट। अवदीविका में रूस यूक्रेन के बीच जंग हुई तेज। रूस के फाइटर जेट्स पर यूक्रेनी सेना ने की फायरिंग। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील। ये तस्वीरें डोनेस्क ओब्लास्ट के मारिंका शहर के पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। डोनेस्क में यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड का हमला। एंटी टैंक गन, जैवलिन और रॉकेट से किया हमला। यूक्रेन ने किया मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर दागे रॉकेट। रूस ने जारी किया न्यूक्लियर वॉर का अलर्ट। डूम्सडे क्लॉक रीसेट होते ही रूस ने दी चेतावनी। ब्रिटेन के परमाणु प्लांट पर हमले की आशंका। परमाणु संयंत्र की सुरक्षा में लगे एंटी ड्रोन सिस्टम। यूक्रेन को मिल सकते अमेरिकी लड़ाकू विमान। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी ने किया बड़ा दावा। रूस यूक्रेन युद्ध में हो सकता है रोबोट की एंट्री। रूस के कॉम्बैट रोबोट मार्कर का वीडियो आया सामने। ज़ापोरिज़्या और वेनिस्ता में रूस ने किया मिसाइल अटैक। खार्किव में रूस के जासूसी ड्रोन को यूक्रेन ने किया तबाह। रशियन टीवी पर दिखा ज़ेलेंस्की का संबोधन। रशियन टीवी पर ज़ेलेंस्की के दिखते ही मचा हड़कंप। यूक्रेन पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा पुतिन के साथ शांति वार्ता नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन ने हमारे लोगों का खून बहाया। रोमानिया में तैनात किए जाएंगे 3 अमेरिकी बॉम्बर। अमेरिकी बॉम्बर्स की उड़ान से भीषण रण की आशंका। रूस ने टॉर्नेडो जी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस से यूक्रेनी टारगेट को किया अटैक। हमले का स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। ज़ेलेंस्की टीम पर बिल गेट्स का बहुत बड़ा आरोप। कहा युद्ध के बहाने भ्रष्टाचार में लिप्त है यूक्रेनी सरकार। पाकिस्तान में पीटीआई नेता फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी ना हो इसके लिए पीटीआई कार्यकर्ता धरने पर बैठे। चीन समेत पूरा ईस्ट एशिया इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में। चीन में शीतलहर को लेकर ब्लू अलर्ट जारी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी। बोर्ड परीक्षा के सिखाएंगे गुर। परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख छात्रों की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवाए गए। 155 देशों के छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बिहार में जारी जातिगत जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जनगणना रोकने के लिए सुप्रीम अदालत में दायर की गई है कई याचिकाएं। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी परेलवी का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप। कहा इस्लाम के खिलाफ साजिश रच रहे शास्त्री। यूपी के अलीगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्राइमरी पाठशाला के मुस्लिम शिक्षक ने राष्ट्रगान गाने से इंकार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बाराबंकी के एक मदरसे में फहराया गया इस्लामिक झंडा। मौके पर पहुंची पुलिस ने झंडा उतरवाया। पूछताछ में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में झंडारोहण के बाद लगे अल्लाह अकबर और नारा ए तकबीर जैसे धार्मिक नारे। एनसीसी की यूनिफॉर्म में थे नारा लगाने वाली युवक। वाइस चांसलर की मौजूदगी में नारे लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के पूर्णिया में फहराया गया पाकिस्तान का झंडा। मौके पर पहुंची पुलिस ने झंडा हटवाया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच खत नहीं हो रही खींचतान। एलजी ने केजरीवाल को मिलने बुलाया तो केजरीवाल ने पंजाब जाने की बात कहकर असमर्थता जताई है। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। शैली अबराय ने मेयर चुनाव समयबद्ध तरीके से कराए जाने के आदेश की मांग की।
टीवीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बड़ा विवाद। आज दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में सभी क्लासेस सस्पेंड। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान। टीवीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में बवाल जारी है। पुलिस ने हंगामा करने वाले छात्रों को हिरासत में लिया। टीवीसी की डॉक्यूमेंट्री का मामला हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है। बैन के बावजूद छात्रों के एक गुट ने कैंपस में डॉक्यूमेंट्री दिखाई है। डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के विरोध में एबीवीपी नेता कश्मीर फाइल्स का प्रदर्शन किया और कश्मीरी पंडितों के दर्द को अनदेखा करने का आरोप लगाया। टीवीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन पर बोले राजस्थान के सीएम गहलोत, कहा कि फिल्म को रोकना चौथे स्तंभ के लिए सही। तिरंगा फहराने के दौरान हरियाणा के राज्यमंत्री संदीप सिंह का एक महिला ने जमकर विरोध किया। महिला ने कहा, छेड़खानी का आरोपी तिरंगा नहीं फहरा सकता। जैकलिन फर्नांडिस ने कोर्ट में दाखिल की नई याचिका। दुबई जाने की मांग की इजाजत, आज सुनवाई होगी। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बसंत पंचमी के पंचांग समारोह में निकाला गया है मुहूर्त। आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। जेडीयू में हिस्सेदारी की मांग कर रहे उपेंद्र कुशवाहा पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। तेजस्वी ने कहा, अगर कुशवाहा को कोई दिक्कत है तो पार्टी में जाकर अपनी बात को रखनी चाहिए। योग गुरु स्वामी रामदेव का बड़ा बयान। बाबा रामदेव ने कहा, जल्द पूरा होगा अखंड भारत का सपना। योगे में भी भारत में शामिल होगा, पाकिस्तान के होंगे 4 टुकड़े। सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर योग गुरु बाबा रामदेव का कड़ा प्रहार। कहा, देश में चल रहा धार्मिक आतंकवाद, देशवासी एकजुट होकर करे विरोध। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर बोली डिंपल यादव, कहा, यह सम्मान तो पहले ही मिल जाना चाहिए था। भारत सरकार से भारत रत्न देने की मांग की गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच आज रांची में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।